ਹੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਤੋ ਮੁਝੇ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਥੇ अच्छा एक तो वो कहते थे इसकी शक्ल भी साडे वर्गी है और फिर मैं तेज बहुत थी एक्टिव बहुत थी। वेलकम बैक और हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी जो दिल की भी बहुत प्यारी है, शक्ल की तो माशाल्लाह वो प्यारी है ही मगर वैसे भी बहुत पुरकशिश है और दिल की साफ गो है जो कि बहुत कम लोग होते हैं आजकल और खास तौर पे शोबिज की दुनिया जिसे एक लाइमलाइट की दुनिया कहा जाता है उसमें ऐसे प्योर लोगों का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो रूबी आपने अभी अपनी फिल्म्स का आगाज किया भारतीय पंजाब के साथ जी। और बड़ी अच्छी बात है, फन सरहदों की हदूद से बालातर होना चाहिए। आपने साबित किया, आपके हस्बैंड ने आपका बहुत साथ दिया, साथ प्रोडक्शन भी वो करते हैं डायरेक्शन भी करते हैं, मतलब छाए हुए हैं आप लोग। और फिर इंडियंस ने आपको, भारतीय पंजाब के लोगों ने आपको इतना सराहा, उन्होंने कहा रूबी है ही साड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं जब थिएटर करती थी ना तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार ना सरदार लोग करते थे। अच्छा एक तो वो कहते थे इसकी शक्ल भी साडे वर्गी है और फिर मैं तेज बहुत थी एक्टिव बहुत थी एनर्जेटिक थी, मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो लड़कियों में नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं, लड़कियां बड़ी नजाकत वाली होती हैं, मैं यानी कि मैंने थिएटर पे ऐसा काम किया कि मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर से छलांग लगा के सेट के ऊपर आई हुई, मतलब मैं इस तरह के काम भी किए। मैंने जो अपनी जिंदगी का पहला शूट किया मैंने दरख्त के ऊपर उल्टा लटक के फोटो शूट कराए, बचपन शरारतें, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में मैं बड़ी थी, मेरे हम एक ही गली में सारे रहते थे, मेरे सारे रिश्तेदार ताए चाचे ये वो, तो मैं उसी तरह की थी। तो जहां तक फिल्म की बात करें तो मैं आपको वहीं लेके जाती हूँ। मूवी मैंने सारी जिंदगी नहीं की। अच्छा अच्छा जी, मुझे बहुत बचपन से फिल्मों की बहुत ऑफर थी और बड़ी अच्छी फिल्मों की ऑफर थी, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स की, लेकिन मुझे ना मेरी अम्मी कहते नहीं रूबी फिल्म नहीं करनी पुत्र, पता नहीं अम्मी को कुछ था तो मैं वो कभी काम नहीं करती थी जो अम्मी ने मना किया। अभी फिर अम्मी का इंतकाल हो गया तो मैं कुछ ज्यादा काम शाम ना, मैं इतनी बिजी हो गई, इतनी बिजी हो गई कि मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अपने लिए भी, मेरी शक्ल ही चेंज हो गई। वो रूबी एनम जो अपनी केयर करती थी, वो रूबी एनम जिसकी एक जिंदगी थी, एक तितली उड़ती हवा, ये वो सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगता था काम करना है, पैसे लेने ने, बस इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था। अचानक एक फिल्म की ऑफर, सबसे पहले मुझे ना प्रवेश कलीम साहब ने एक फिल्म बनाई, उसमें उन्होंने मेरे लिए रोल लिखा। तो उन्होंने मुझे, प्रवेश कलीम साहब को मैं बहुत मानती हूँ, बड़े अच्छे राइटर हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि रूबी यह फिल्म तो तेनों करनी पैनी। मैं कहा सर मैं तुम दस नहीं हाँ, सर्दियों के दिन, उन्होंने कहा 20-22 दिन चाहिए, और मैं आफ्ताब साहब के साथ काम कर रही थी, वहां टाइमिंग का कोई पता नहीं लगता कि आप कब फारिग होंगे। मैं घर आई तो अजहर ने मुझे कहा कि नासिर भाई का फोन आया था और हाजी ठाकुर साहब का, इफ्तिखार ठाकुर साहब का फोन आया कि आपने आपसे मीटिंग है। तो मैं कह की खैर है तो बुला लेना, सी कहना नहीं नासिर भाई की तरफ जाना है हमने, हम नासिर की तरफ गए रात को। तो नासिर भाई और आगा माजिद बैठे हुए थे, उन्होंने फिल्म के लिए कहा, अब उनकी डेटे और इनकी डेटे सेम एक थी। सही। मैं, मुझे ना जिंदगी में समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं किसी को इनकार नहीं, फैसला करना, हाँ जी, और फिल्म मैंने करनी भी पहली दफा थी। सही। कुछ इत्तफाक ऐसा हुआ कि उनकी डेटे आगे चली गई और या अजहर ने मुझे कहा कि ये फैसला मुझे करने दो। नहीं ये, हाँ ये मैंने लिया था, डेटा नहीं हुई थी, डेटा सेम थी, बट मैंने इनसे ये कहा था, मैंने कहा ये डिसीजन आप ना करो, उसकी रीजन ये है कि आपने फिल्म नहीं की, मैं फिल्म कर चुका हुआ था ऑलरेडी पाकिस्तान में, कर चुका हुआ था बड़े प्रोजेक्ट, आपने तो टीवी प्लेस पे भी मॉडलिंग भी, कोई आपने भी कोई जगह छोड़ी नहीं है। एक्चुअली मैंने अजब बुल साहब की थी, क्यों तुमसे इतना प्यार है, अच्छा तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें था, फिर मोहब्बत सचियां उसकी प्रोडक्शन में था मैं राणा खलील साहब के साथ, तो मुझे एक्सपीरियंस उसका काफी हो चुका हुआ था, काम का प्रोजेक्ट दोनों ही बहुत बड़े थे। वो मैंने कहा डिसीजन मुझे लेना, तो अगर आप बुरा ना मानो, इन्होंने कहा ठीक है जॉब करना, तुम फैसला खुद करो इस चीज का। सही। मैंने डिसाइड ये किया, मैंने कहा कि आप पहली बात कि फिल्म आप करती नहीं ना, अल्लाह मैंने फिल्म की नहीं थी। आप अगर देखो परमिशन आप मुझसे भी कह रही हो कि थिएटर तुमने मेरा छुड़वा दिया, आप क्या करो, फिल्म आप करो, मैंने आपको रोका नहीं है, टीवी आप करो, मैं कोई भी नहीं रोकता, बट काम वो करना जिससे आपका नाम बने, नाम जो आपने सारी जिंदगी किया, नहीं नाम तो अल्लाह ताला ने उनको, ठीक है ना,
वो शुरू ही से बढ़ा दिया। देन डिसाइड मैंने ये किया था, मैंने कहा था प्रोजेक्ट यहाँ का या वहाँ का, लेकिन हमें यूं लगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं मेरे ख्याल में मेरे, मुझे लगता है कि आपको बहुत टाइम उस तरफ काम करना चाहिए, जरूरत है आपकी ना। अच्छा अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहने इनू क्रेडिट लैंदी बड़ी आदत से। अच्छा लागे ने। हाँ सारा क्रेडिट और फिर हर चीज आपको, आप शायद यकीन करो मेरी कोई चीज मेरे नाम नहीं है, सारा कुछ इन्हें अपने नाम किया है। इवन के मेरा मोबाइल कितनी अच्छी इंतबार की है, रीजन भी तो पूछे ना, क्योंकि मैंने जहाँ जाना मैंने खर्च करना, मुझे आदत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और सेकंड, ये कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो फिर तो आप भूल जाए कि ये कहीं जा सकते हैं। क्रेडिट बहुत जो है ना वो फिर ले गए, क्रेडिट भी ला गए, सारा क्रेडिट कुड़ी ते है, कुड़ी ते जदों व्याह किया सी उदों भी कुड़ी नहीं सी, मतलब मैंने काफी मैच्योर एज में शादी की ना, मैं बच्चा था। हाँ तुम मेरी भी वही एज थी। माशाल्लाह हम दोनों की एज में 2.5 महीने का फर्क है, लेकिन अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आपका बेटा तो नहीं है। नहीं अब ऐसी भी बात नहीं है, वो कौन लोग पूछते हैं जो इनके साथ जान के रखते हैं तसल्ली, वो जान के करते पूछे इतना खुश होंदे ने बंदे, उन्होंने तुसी कह दियो ना कि तुसी अपनी बुढ़ी तो छोटे हो या तुसी एडे सोहने। अच्छा कैसर भी ये क्यों कहता बार बार जब मुझे मिलता है कि तुम जनती हो, सलाम है भजन तुहानू जनती हो तुसी, वो इसलिए क्यों कहता हूँ भाई मेरे साथ रहना भी ये काम है ना। मरवा हम लोग जो है ना प्यार लेने वाले लोग हैं, मैं सारी जिंदगी थिएटर की है, इधर शरारत की थी उधर की थी, दो नंबर चले गए एक नंबर में चले गए, जिंदगी को एंजॉय किया। और मैं आपको बताऊं कि जो सच्चे खरे लोग होते हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, उन्होंने मुंह पे बात करनी है, वक्ती गुस्सा लगता है मगर वो बात सच्ची होती है। लेकिन दुख बड़ा होता है जिन जिसके लिए आप सच बोल रहे हैं ना, आपने अगर किसी को कह दिया आए हाय हाय मरवा, मैं तो बड़े, मुझे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं, ये मैं उनको बार बार कोट क्यों करती हूँ, मैं ना सच ज्यादा बोलते, कहते रूबी सच बोल पर सच भी ना नहीं, ये हर सच बोलने वास्ते भी नहीं होता। मैंने इंडियन मूवीज की, मुझे वहां उन्होंने इतना प्यार किया, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी अल्लाह उनको परवरदिगार, किसी चीज की कमी ना दे कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी के सारे धोने तो होते। आप यकीन जानो कि मेरा पहला सीन था और मेरा सीन हो गया मैंने पता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं रिहर्सल कर रही थी मेरे लिए फिल्म में, और सबसे मुश्किल काम जो मेरे लिए था, मैं ना फिल्म में काम कर रही हूँ तो मैं डायलॉग बोलती थी, तो डायलॉग उन्होंने एक लाइन दी है, मैंने उसके आगे चार लाइनें लगा लेनी, उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर ने कहा इन्ना ना बोल, अल्लाह माफ करे ये दोनों कभी मेरे से जालस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं। हाय मरवा जिदो जिदो डबिंग हुई मैं रोन लग पई, मैं इतना रोई, इतना मैंने एक दिन ऐसा है मैंने जर से कहा मैं डबिंग ही नहीं करनी, किसी और कुड़ी को करा लो, यानी एक डायलॉग था चल वे अंदर, उसके लिए मैंने 8 घंटे लगाए, वो लिपसिंग ना हो फंस गया ना, वो एक सीन फंस गया, मुझे डबिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं था, प्रॉपर लिपसिंग करना आपको पता उसमें आकर वहां, ओए होए होए होए, लेकिन मैंने जैसे वहां पे ठाकुर को कहा चल वे, क्योंकि अमरिंदर गिल को कोई जुगत लगाता नहीं, मैंने अमरिंदर गिल ने कहा वे निकी सीरी वाले वे छोटे मुंह वाले या उनके बाद वे इधर छोटी साली दे मुंह वाले या उसको कहा वे चार्ल्स या सावया, वो लोगों ने मुझे प्यार किया मोहब्बत की, लोगों ने जैसे कि अकरम उदास ऑलरेडी उस वक्त हीट था, उनते पता नहीं की बनिया एकदम उन्होंने जिमें हीट होया उवें बेचारा पिछे नू आया है, समझ नहीं आई की होया सो, लेकिन अकरम उदास के साथ वहां काम किया, अकरम ने कहा तेन मेरी फिल्म कैसी लगी, मैं अकरम मैं तेरी फिल्म पिछली वेखी पार्ट वन तो इन्ना रोया उहदे विच, इन्ना रोया मैं तेरा सीन वेख के इन्ना हसी हाँ कि तू रोंदे एडा बुरा लगा और तेन रोना भी नहीं आया तो वो मुझे अच्छा मरवा तू घट हसनी है ना नहीं दो मैं लाशा नाल बह गई हाँ।